बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जाहरंगडीह डोरी माता तीर्थालय से लेकर अपर बंगला तक नित्य दिन सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे तीर्थालय के आसपास रहने वाले कॉलोनियों के लोगों में सड़क दुर्घटना का भय व्याप्त है। साथ ही इस समस्या से कॉलोनी वासियों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। समस्या ये है कि यहाँ अनावश्यक तरीके से कोलेरी की गाड़ियाँ जो है ये कॉलोनी के सड़कों के किनारे लगी हुई है, और कॉलोनी से जो भी लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, वो गाड़ी लेकर निकलते हैं या पैदल निकलते हैं, निकलना दुर्लभ हो गया है लोगों का। तो आग्रह करते हैं हम प्रबंधन से भी कि वो कम से कम अपनी गाड़ियों को इस कॉलोनी के इन सड़कों पर न लगाए। बीते रात एक हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो ये हादसा जो है, ये इस हादसे से लोग यहाँ के त्रस्त हैं और काफ़ी दहशत में हैं, कभी भी अनावश्यक घटना हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या अव्यवस्थित तरीके से जो वाहन लगे रहती है उससे उत्पन्न होती है। बस सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों के अंदर ये है कि अव्यवस्था की वजह से, यानी बिल्कुल अनावश्यक तरीके से जो गाड़ियाँ लगी हुई रहती है जिसका कोई काम नहीं, खाली गाड़ियाँ लगी हुई है, गाड़ी भी घुमाता गाड़ी खराब हो जाए, लगी हुई रहे तो कोई बात नहीं, वो तो चलता है, लेकिन एक लाइन से अनावश्यक तरीके से घुसने के लिए लाइन लगाया हुआ रहता है। अब सीसीएल प्रबंधन से क्या आप लोग का आग्रह होगा? आग्रह होगा उनसे कि कृपया वो इस तरीके से जो गाड़ियों का जो ये कॉलोनी की ओर जो लाइन लगता है, ये लाइन न लगाकर इसकी व्यवस्था कतारबद्ध पंक्तिबद्ध किनारे किया जाए ताकि सुरक्षित तरीके से लोडिंग हो सके। ये समस्या फिलहाल अभी कहाँ उत्पन्न हो रही है? ये समस्या अभी अपर बंगला के पास में हो रही है।